हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, विंटर सीजन चल रहा है जिसमें हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और इसी में अगर हम केयर ना करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमें लोशन लगाना चाहिए ताकि हमारी स्किन ड्राई न रहे। अब अगर हम बात करते हैं बेबीज की, तो अपने ही तरह उनकी भी स्किन की हमें केयर करनी चाहिए, नहीं तो उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी, रेड हो जाएगी और फटी हुई से दिखने लगेगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बेबी स्किन केयर प्रोडक्ट में बेस्ट बेबी लोशन का रिव्यू दूंगी, जिसका यूज करके आप विंटर में अपने बेबी को बेस्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल के बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं बेबी सीमामेड बेबी लोशन का रिव्यू दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह के बॉक्स में आता है, आप देख सकते हैं, और इसका पीएच 5.5 है और इसका 100 ml की जो बॉटल है वो आपका 491 रुपीस का आता है। इसकी एक्सपायरी 2018 से 2021 है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे इसके सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये लोशन क्या है और कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं कि इस लोशन में ऐसा क्या क्या है जो इसे बेस्ट बेबी लोशन बनाता है। तो फ्रेंड्स, इस लोशन का पीएच 5.5 है, जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही सही है, सही माना जाता है। और अब देखते हैं इसमें क्या क्या है कि मॉइस्चराइजर सपोर्ट द स्किन हाइड्रो बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोशन प्रोवाइड द स्किन विद ए लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर लॉस। मीन्स ये लोशन स्किन में लंबे टाइम तक मॉइस्चर को कंटेन करके रखता है, जिससे कि बेबी की स्किन स्मूथ और सॉफ्ट हो जाती है। और आगे कैमोमिल सूद इरिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि कैमोमिल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कैमोमिल एक सफेद पीले रंग के फ्लावर्स होते हैं जो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और बहुत लंबे समय से इसका यूज किया जा रहा है प्रोडक्ट्स में। इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। कैमोमिल में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है जो डैमेज स्किन को रिपेयर करती है। ये एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट है और ये स्किन पर ग्लो लाता है और मॉइस्चर को भी कंटेन करके रखता है। और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी स्किन सूदिंग में हेल्प करती है। अब इसमें आगे है कि एलेंटोइन मैक्स से स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। फ्रेंड्स, एलेंटोइन एक केमिकल कंपाउंड है जो सुगर बीट कम्फ्रे में पाया जाता है। ये स्किन को सूद करने में और सेल रीजनरेशन में हेल्प करता है। ये स्किन को सॉफ्ट। आइए अब इसके प्रोडक्ट को देखते हैं। ये इस तरह के ट्यूब में आता है और साथ ही इसमें ये देखिए, ये भी आता है। इसमें सारे जो सीबामेड के प्रोडक्ट्स हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं। मैं सारे सीबामेड प्रोडक्ट को एक एक करके सबका रिव्यू आपको दूंगी। आप मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये लोशन इस तरह के ट्यूब में आता है। डायरेक्शन फॉर यूज, यूजिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लोशन मसाज जेंटली इन टू बेबीज टेंडर स्किन आफ्टर बाथिंग। आप बेबी को नहला के लाते हैं तो उसके बाद उसको पैड ड्राई कर लीजिए, हल्के हल्के हाथों से इसे सुखा लीजिए उसके वाटर को, पानी को। उसके बाद इस लोशन को हाथ पर लेके अच्छे से अप्लाई कर लीजिए और उस समय तक ब्लेंड कीजिए जब तक कि वो स्किन पर एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये काफी अच्छे से स्किन पर एब्जॉर्ब हो भी जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा बेबी लोशन है। आप इसका यूज विंटर में कर सकते हैं, समर में कर सकते हैं, रेनी सीजन में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा बेबी लोशन है। इसका यूज मैं कई महीनों से कर रही हूँ अपने बेबी पर और इसका एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। मेरी बेबी की स्किन बहुत फेयर हो गई है और मैं इसका केवल बॉडी पर यूज करती हूँ, फेस पर मैं अलग सीबामेड क्रीम का यूज करती हूँ, जिसका रिव्यू मैंने दे दिया है और आप उसको अगर देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। आइए अब इसके प्रोडक्ट को देखते हैं। ये देखिए, काफी बड़ी होल है तो जब भी आप इसे निकालें तो काफी ध्यान से निकालें, नहीं तो इसमें से ज्यादा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। और थोड़े से ही प्रोडक्ट को हमें लेना है, ये देखिए, और अपने बेबी के गीले बदन पर हमें इस तरह से अप्लाई कर लेना है और इसे उस समय तक ब्लेंड करना जब तक ये बेबी के स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये बहुत ही अच्छा बेबी लोशन है। इनफैक्ट मार्केट में जितने भी बेबी लोशन आ रहे हैं
उन सब में से अच्छा मुझे यही लगा क्योंकि इसका एक अलग ही इफेक्ट मुझे नजर आया। एक तो ये बेबी के स्किन को फेयर भी कर रही है, दूसरा सॉफ्ट भी रख रही है, मॉइस्चराइज भी कर रही है, तो काफी बेनिफिट्स इसके मुझे नजर आए। ये देखिए, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया है, नॉन ग्रीसी है। अब ये देखिए, इसमें मैंने लोशन लगा लिया है और इस हाथ पर लोशन नहीं है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, ये था बेबी सिबामेट बेबी लोशन का रिव्यू। आगे मैं बेबी सिबामेट के बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।